एक प्लेटफॉर्म दीजिए, ढांढस दीजिए, साथ रहिए। न बिजली शुद्ध काम हो रहा है, ना रास्ता कोई काम हो रहा है, ना विधायक आए, ना बैक साइड मुर्दे जलाए जा रहे थे, हम लोगों ने विरोध किया। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ टुडे का ये खास कार्यक्रम है कार वाला रिपोर्टर, और कार वाला रिपोर्टर आज इस वक्त मौजूद है लखनऊ के एक वार्ड में, और वार्ड के बारे में हम पहले बताएं। सबसे पहले आप तस्वीर दिखाइए, वार्ड का नाम, पार्षद का नाम और विधायक का नाम बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड जीरो की तस्वीर देखिए कि ये आप दिखाइए कि ये मैं यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर जहाँ भी मैंने नज़र है ना नीचे से अगर इधर उधर मैंने हटाई तो कैसे मैं है ना मेरे पैर में है ना बोझ आएगी, कैसे मेरे पैर मुड़ जाएंगे और मैं कैसे गिरूँगा और किस तरह से हड्डियाँ टूटेंगी, क्या होगा वो पता नहीं है। फिलहाल अभी फरवरी का महीना है और जो सर्दियां हैं वो जा रही हैं, गर्मी आ रही है, बरसात का टाइम नहीं है। और ये आप एक बार तस्वीर दिखा दीजिए अच्छे से कि ये टूटी सड़क है, ये दिखाइए एक बार डाउन करके कैमरे को, ये दिखाइए आप तस्वीर दिखाइए पहले, ये तस्वीर आप देखिए कि ये ना किस तरह से ये जो सड़क है ये यहाँ पे उबड़ खाबड़ ये सड़क है, आप ये दिखाइए। और कैमरे को एक बार है ना आप इधर पैन करिए, घुमाइए, आप जल्दी से कैमरे को घुमाइए, ये देखिए एक कार आ रही है, ये देखिए कि कितनी मुश्किल से कार को 10 की स्पीड में यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो आप ये देखिए ये कार है, और कार के साथ यहाँ पर ये जनता की कार है, और कार वाले रिपोर्टर की भी कार उधर खड़ी है। तो ये जनता है, ये तो चले जाएंगे यहाँ से, और बाद में पहले ये जाए इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया इधर आओ भाई साहब, ये कितने सालों से इस रोड को आप खराब देख रहे हैं? बहुत दिनों से सही नहीं हुई। कितने साल हो गए? एक साल, दो साल, तीन साल? अरे कम से कम 8-10 साल हो रहे हैं। 8-10 साल हो गए जी। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी तो आप देख ही रहे हैं। परेशानी देख रहे हैं जी, बिकट परेशानी है। हाँ। चलिए देखिए, ये आपने ये देखा, आप आगे ले जाइए कार को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम पहले एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जर्नली होता क्या है कि जो मीडिया है वो दूरस्थ जगह पे नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंचती है जबकि पहुंचना चाहिए, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं ना कि दूर का वो गाँव हो या छोटा पंचायत हो या ग्राम सभा हो या हमारे शहर का आखिरी हिस्सा हो। तो हम आपको लखनऊ में ये एक जगह है, इस वार्ड का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड है ये। तो इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड, और ये यहाँ की जनता, तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पे सभी आपको यहाँ पे महिलाएं दिख रही हैं, और यहाँ पे युवा भी आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे बुज़ुर्ग भी दिख रहे हैं। तो ये किसी वजह से यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि धूप में खड़े हैं, तो कोई तो बड़ी वजह ज़रूर होगी। बड़ी वजह की तस्वीर एक बार आप दोबारा हम आपको दिखा देंगे। तस्वीर जो है 1000 शब्द बयान करती है। एक लॉन्ग शॉट दिखा दीजिए कि कितनी उबड़ खाबड़ यहाँ पे, ये जो टूटी हुई जो सड़क है ये इन्हीं जनता की टूटी हुई सड़क है जो ये यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं। दिखाइए तस्वीर कि ये लॉन्ग शॉट में आपको ये दिख रहा होगा, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कि कैसे अगर यहाँ पे अगर कोई बाइक या स्कूटी या साइकिल आएगी तो अगर ध्यान से नहीं आएंगे तो है ना गिर जाएंगे, हड्डियाँ टूट जाएंगी। ये आप तस्वीर दिखाई देख रहे हैं, और ये बता रहे हैं जनता। भाई साहब अभी जो कार पे थे उन्होंने बताया कि 7-8 साल से यहाँ पे दिक्कत है। बाकी हम जुड़ेंगे, और भी यहाँ पे पब्लिक है, जनता है। कैमरामैन को बोलूँगा आगे आ जाए, और मैडम आप इधर आ जाइए। सवाल सबसे बड़ा ये कि जनहित के मुद्दे ए न्यूज़ टुडे लगातार हम उठाते रहेंगे। ये शो हमारा है कार वाला रिपोर्टर, एक शो हमारा और चल रहा है पड़ताल, वार्डों का पड़ताल। हर वार्ड की हम पड़ताल भी कर रहेंगे और कर रहे हैं, आप हमारी न्यूज़ आप देख ही रहे हैं। आज ये सब जनता यहाँ पे मौजूद है। मैडम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और इस वार्ड का भी नाम बताइए। जी जी, मेरा नाम है एडवोकेट रजनीगंधा त्रिपाठी। ये वार्ड है इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड, साईं विहार फेज 3, अभी इसका नामकरण होना बाकी है। और यहाँ 8-10 सालों से
इस जो सड़क की अभी यथास्थिति आप देख रहे हैं इससे भी विभत्स स्थिति थी पहले, और कुछ पैसा जोड़ जोड़ के 2,000-3,000 का भी अपना प्राइवेट लेबर लगा के हम लोगों ने इसका जो रिपेयर किया है या रिपेयर का नतीजा है, यहाँ चलने की दिशा नहीं थी, चलने की जगह नहीं थी, पैर बंदा रख नहीं सकता था, बच्चे गिर रहे थे, स्कूल बंद हो चुका था बच्चों का, और बार बार बोला जा रहा है लेकिन कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। और हम लोगों ने बार बार लेटर भी दिया इसके बारे में, रिपोर्ट भी की, बाकायदा बोला भी गया, आशा भी दिलाई गई, लेकिन नतीजा 0/0। कितने सालों से ये रोड की समस्या है? 8-9 सालों से है ये समस्या। 8-9 साल और सर बीच बीच में तो वो बंद भी कर दिया जाता है वो सड़क। अच्छा, हाँ जी, वो बंद कौन और क्यों करता है इस पे हम बाद में जाएंगे, हम उस पे बाद में। अभी हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ के जो पार्षद हैं, काउंसलर हैं, और यहाँ के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, कभी वो आए आपके पास? नहीं, हमने पूरा कई बार सर्वे करवाया, यहाँ दिखाया, उसके बाद वो कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। मैं इनको भी शामिल कर लेता हूँ। मैडम आप बताइए, क्या कह रही थी कि आपके विधायक और पार्षद यहाँ पे कभी आए आपकी समस्या? हम लोग उनको बुला के लेके आए, और मतलब कम से कम 100 लोग, पूरी इस कॉलोनी के 100 लोग से ऊपर उनके साथ साथ घूमे भी हैं, और एक एक जगह उनको दिखाया गया कि इतनी समस्या है, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम यहाँ पे रोड़ाई गिट्टी डलवा दी। इवन उन्होंने यहाँ पे वो भी नहीं डलवाया है, ये सब हम ही लोगों ने डलवाया है। तो ये आपने यहाँ के एमएलए को ये बातें बताई थी? एमएलए को तो नहीं, या पार्षद को? पार्षद को बताई, और पार्षद ही हमारे साथ घूमे हैं। अच्छा, 5 साल उनके बीत गए, लेकिन 5 साल में काम हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं, नथिंग। आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने है जो भी आगे। मैडम मैंने, आप यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं? हमारे तो 5-6 साल से ये मकान बन ही रहा था, हाँ, और उसके बाद से भी हम यही देख रहे हैं कि इसी तरह ये सड़क नहीं बन रही है। सड़क नहीं बन रही? नहीं, पार्षद को भी बताया गया है कई बार, लेकिन कोई उस पे एक्शन नहीं हुआ है। जी, एमएलए कभी आए आपके यहाँ पे? नहीं, एमएलए नहीं तो नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैं रिटर्न कंप्लेंट गई है नगर निगम में, कई बार रिटर्न कंप्लेंट गई है, लाइट के लिए, खंबे के लिए, सड़क के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सब केवल आशा देते हैं, और यहाँ आने का बिल्कुल भी किसी को समय नहीं है। आपने जैसे कि मैम आपने बताया, रजनी जी आप एडवोकेट भी हैं, और दूसरी चीज कि आपने बताया कि बहुत सारी कंप्लेंट दी है, उसमें क्या पार्षद को भी आपने दिया? नगर निगम की आप बात कर रही हैं, नगर निगम को, एमएलए की भी बात कर रही हैं? नहीं, एमएलए तक हम लोग नहीं गए, हम लोगों को लगा कि क्या पता यही लोग कर लेंगे, क्योंकि आशा बंधाते चले जा रहे थे, हम आशावान थे तो इसलिए इन पे ट्रस्ट किए जा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई। और ये सड़क यहां से यहां पूरी तरह से यहां कोई मतलब कोई रिपेयर तक नहीं कर रहा, हम लोगों ने कहा रिपेयर ही कर दीजिए, आने जाने में दिक्कत ना हो, बट वो रिपेयर भी नहीं कर रहे। और जहां बना हुआ है मानस सिटी में, मानस एनक्लेव में, जरा सा भी कुछ गड्ढा होता है तो तुरंत वहां रिपेयर किया जाता है, तोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है, बेंच हटा हटा के नई बेंच लगाई जा रही है, लेकिन जहां जेन्युइन प्रॉब्लम है वहां कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है, वो तस्वीरों में दिख भी रही है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप सब मिल करके, अब जैसा कि अभी तक आप लोग अपने विधायक को आपने अवगत नहीं कराया, क्या आप लोग आप जो आपके RWA हैं, आप सब मिल करके वहां तक आप पहुंचेंगी, अपनी बात रखेंगी? एक प्लेटफॉर्म दीजिए, ढांढस दीजिए, साथ रहिए। अच्छा लगा कि आपने संज्ञान लिया, आप यहां तक आए, धन्यवाद है, हम सब की तरफ से आपका आभार है, और ये मुद्दा आप क्लियर कराइए, हम सब साथ हैं, बिल्कुल आने को तैयार हैं। ठीक है, मिलेंगे। तो हम यहां के जो विधायक हैं, लखनऊ पूर्वी लगता है ये, और आशुतोष टंडन जी हैं, हम उनसे कहेंगे कि अपनी जनता के बीच में आए, क्योंकि ये सभी आपके वोटर हैं, इन्होंने वोट दिया, आपको जिताया है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, और यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, 5-8 साल से जनता अलग अलग बात बता रही है, लेकिन समस्या है। कैमरे पर यथास्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो तो अभी बारिश का समय नहीं है, वरना बारिश में तो कितनी समस्या और विकट हो सकती है। और अभी हमने तिराहे की तस्वीर भी आपको दिखाई, एक तरफ आप स्क्रीन पर ये तस्वीर भी चला दीजिए और ये देख लीजिए कि किस तरह से वहां पे अभी लाइव बाइक जो थी वो किस तरह से रिपट गई, और अगर वो स्पीड उसकी ज्यादा होती तो पता नहीं कितना भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। ये मैडम है, मैडम आप ये बताइए कि ये जो समस्या है इससे क्या परेशानी आती है आप लोगों को? परेशानी है, बारिश होती है तो गाड़ी लेके गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, चलने में दिक्कत है, गड्ढों में पानी भरा रहता है, बहुत जीव जंतु उन गड्ढों में टहलते हैं, उसका डर है, बहुत परेशानी रहती है। बच्चों को स्कूल ले जाते समय भी दिक्कत, बहुत परेशानी होती है, कई बार हुआ है कि बच्चे गिर जाते हैं, फिर हाँ नहीं जा नहीं पाते हैं, स्कूल वापस आना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे कुछ युवा इनसे भी बात कर
कर लेंगे। क्या कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ? मैं यहाँ पे 3 सालों से रह रहा हूँ। 3 सालों में आपने यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें देखी है? दिक्कतें क्या देखी है, अभी रोड देख रहे हैं तो ये मेरे घर का मलबा कुछ बचा हुआ ठीक है, रॉ मटेरियल था वो इस रोड में है तो हम चलने के लायक हैं यहाँ पे इस समय। अच्छा, हाँ, यानी आपका जो घर का जो मलबा है उससे सड़क निर्माण हो रहा है। सड़क भी नहीं गिराया है अपने अपने बच्चे ठीक है, तो ये इस तरीके से सड़क बनी है और यहाँ पे आप समझो कि ऑफिस जाने में बरसात का पानी आ जाता है जब, तो यहाँ पे घुटनों तक पानी हो जाता है और कहीं भी आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। अगर आपको आना है तो फिर कीचड़ में घुस के आना पड़ता है, चप्पलें चप्पलें हाथ में लेके। कॉल किया गया, कोई किसी ने संज्ञान ठीक है, कभी यहाँ सांप, हाँ कभी यहाँ सांप निकलता है, कभी अजगर निकलता है, कुछ भी होता है यहाँ पे, हो जाती है यहाँ पे ठीक है, पूरा पानी भर जाता है। विधायक साहब आए कभी यहाँ पे? कोई नहीं आता, पार्षद आए? कोई आता ही नहीं। एक बार पार्षद आए थे, देन आफ्टर उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ से। और सबसे ज्वलंत चीज सर, बैक साइड मुर्दे जलाए जा रहे थे, हम लोगों ने विरोध किया, गांव वाले तक पक्ष में नहीं थे, बाद में समझाया गया तो आए, यहीं बैक साइड मुर्दे जलाए जा रहे थे और किसी ने संज्ञान नहीं लिया था। देख सकते हो प्रॉपर तरीके से नियम अनुसार अंतिम संस्कार की जगह थी वो जहाँ पे जलाए थे? नहीं, नहीं, वो जगह नहीं। जगह जहाँ पे जलाए जा रहे थे बैक साइड पता है, सवाल ये है, एक सेकंड, जो हाँ जी जगह है इवन देन उनको इजी लगा यहाँ पे, और उनका ये तर्क था, मतलब वो जो अंतिम संस्कार की जगह को छोड़ करके वो यहाँ पे जाला, उनका ये तर्क था कि मेरा खेत है तो मैं कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा। हाँ जी ठीक है मैडम, है ना, इधर आ जाइए, ये देखिए और भी लोगों से जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार देखिए इनकी हालत दिखाइए, कि ये साइकिल से जा रहे थे और बुजुर्ग को दिख गई मीडिया, और एक आस जग जाती है जब मीडिया आती है कि है ना समस्या तो कभी कभी है ना, इतनी सालों से ये सब जनता बदहाल है, तो मीडिया अगर आ गई तो क्या पता CM साहब तक हमारी बात पहुँच जाए इन बुजुर्ग की, और यहाँ के विधायक तक इनकी बात पहुँच जाए तो समस्या का समाधान हो जाए, हमारे नेता जाग जाए। बाबा क्या कहना है भैया? रास्ता वास्ता बहुत परेशानी है, हाँ भाई जाए बड़ी तकलीफ, ना बिजली शुद्ध काम हो रहा है, ना रास्ता कोई काम हो रहा है, ना विधायक आए, ना कोई यहाँ तो नहीं है, देखो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। कितने सालों से परेशानी है? यहाँ हम तो देख रहे हैं कम से कम 65 साल से 65 साल से कोई परेशानी है, कोई गली घाट नहीं है। 65 साल से अभी साल से हम देख बच, जब आप छोटे हुआ हाँ तब से हम देख रहे हैं। समस्या यह है अब तो अपने अपने द्वारे जो है गिट्टी मट्टी डार कुछ रास्ता बनाई है अपने अपने हाथन, बाकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नहीं भैया अब तक कोई समाधान नहीं। तो आपने ये सुना 65 साल से ये बुजुर्ग ये समस्या देख रहे हैं जब ये बच्चे थे, और आज ये अपने सीनियर सिटीजन की पड़ाव में आ चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पे मामला बिल्कुल सब जीरो है। और ये कुछ महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या यही रहते हैं क्या? हाँ 10 साल से यही झेलते आ रहे हैं, गड्ढे हैं, पानी यहाँ तक भर जाता है, बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है, ऑफिस वालों को दिक्कत होती है निकलने में, ऑफिस नहीं जाया जाता है, नागा हो जाती है, ना कोई सभासद आता है, ना विधायक आता है। इस कॉलोनी का नाम भी बता दीजिए, इसका नाम क्या है, इसका कॉलोनी का? सिटी जरारा है। सिटी जरारा नाम है कॉलोनी का नाम, सिटी जी जरारा, मानस एन्क्लेव। कितने साल से माता जी समस्या देख रही हैं? मैं 3 साल से यहाँ भैया, 3 साल से देख रहे हैं यहाँ निकालने का रास्ता। रात में यहाँ पे लाइट वाइट जलती है रोड पे? यहाँ लोग निकल लगाए, रात में बत्ती जलती है यहाँ पे? नहीं जलती है, खंभे तक तो लगे नहीं है। 10 साल से अकेले यहाँ देख रहे हैं, 10 साल से रोड नहीं बन रहा है भैया, 10 साल से रोड नहीं बन रही, बच्चों के बहुत तकलीफ होती है स्कूल जाने में, जी ना खम्भा हमारे तरह साफ नहीं निकलते, बहुत जहरीला कर रहे हैं भैया, बरसात बड़ी दिक्कत होती भैया। उन्नाव में तो हमने सुना था कि वहाँ पे मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी सांप के काटने से, लेकिन ये लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी कोबरा तक निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं निकल रहे हैं, घर में घुस जा रहे हैं भैया। हाँ जी बारिश के टाइम ये देखिए कुछ यहाँ पे युवा खड़े हैं, ये कॉलेज वाले स्कूल वाले, इनसे भी बात कर लेते हैं, यहीं रहते हो क्या? यस सर, 7 ईयर सरवाइव फ्रॉम नगर निगम। मतलब 7 सालों से तुम यहाँ पे दिक्कतें देख रहे हो? 7 साल से देख रहे हैं, बट
सेम कंडीशन है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है और नगर निगम में भी आता है बट कोई सुनवाई नहीं। नगर निगम में ये जगह आती है, गाड़ियाँ गाड़ी स्कूटी तो निकल ही नहीं पाती है जब कीचड़ के टाइम में फंसी जाती है। और बहुत टाइम तो मैं गिर भी चुका, मैं भी खुद ही गिर चुका हूँ एक दो बार। बहुत रोड बहुत ही खराब है और ना लाइट है, लाइट तो ऐसे रहती है बट यहाँ ना रोडों पे लाइट है, कोई भी सुनवाई नहीं है। और यहाँ तक आंधी तूफान आए तो ये तार उड़ा, उसके बाद में 10 दिन तक लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। आप फोन करते रह जाइए, जल्दी संज्ञान में नहीं लिया जाता है। छह महीना हुए खंबे लगे हुए और ये पिछले बारिश में हम लोगों ने किया। मैडम आप इधर आ जाइए प्लीज। 5 साल से मेरी एप्लीकेशन बिजली विभाग में पड़ी थी। जी, हाँ। जी जी आपने कौन से विभाग में एप्लीकेशन दी है? बिजली विभाग में दी थी और 5 अभी ये 6 महीने पहले खंबे लगे। 6 महीने पहले खंबे लगे, हाँ। तो बिजली फिर पहले कैसे मिल रही? बिजली पहले जो है पीछे से तार गिले थे तो तार खींच के ले जा रहे थे ये लोग। यहाँ पे मैडम ये परिवार खुल के कितने रहते हैं अंदाजा एक आइडिया? यहाँ पे आप समझ लीजिए उस साइड वालों को मिला के 40 से 45 लोग हैं, हाँ। यहाँ वालों को मिला के आप समझ लीजिए 7-8 परिवार है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे एवरेज 100 घर यहाँ, हाँ, पे है। 100 घर है आराम। और ये विद नेम विद फोन नंबर्स विद लोकेशन विद रजिस्ट्री सब कुछ दिया गया है नगर निगम में। नगर निगम, हाँ जी, इन रिटर्न। एक सवाल, एक अहम सवाल ये जानना जरूरी है, एक मिनट इधर आप आ जाए, आप आ जाए इधर आ जाए, कि यहाँ पे इन सभी समस्या का जो जिम्मेदार हैं आप, हम ये नहीं कहते कि आप किसी का नाम लीजिए लेकिन अगर आपसे समझा जाए तो जिम्मेदार किसी है? सबसे बड़ा घर जिसका है वही जिम्मेदार है, ही इज द मेन कल्प्रिट। सही बात कह रही है। विधायक और पार्षद के अलावा भी यहाँ पे कोई जिम्मेदार है? अब हम किसी के ऊपर उंगली नहीं कर सकते जिनसे लिया गया है, किसी के ऊपर उंगली, क्योंकि जब प्लॉट बेचा जाता है तो सड़क तो ऑटोमेटिक रहती ही है, सड़क से बाद में कौन पैसा लेता है। लेकिन मेरा एक सिर्फ इतना कहना है कि जब हमारे इस एरिया के जस्ट पीछे सारी सड़कें बना दी गई तो खाली सिर्फ इतने बीच में क्यों नहीं सड़क बनाई जा रही है, इसका क्या मुद्दा है, क्या है पार्षद क्यों नहीं बता रहा, बताए ना। एक बात हम ये भी समझना चाह रहे हैं आपसे, ये जो लैंड है, जो प्लॉट ये काटी थी किसी प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट में ही बिल्डर ने काटी, हाँ, यहाँ पे खेत थे सारे। सीधे सीधे देख लीजिए शोभा लाल लोधी, अच्छा, अब बुलवाना चाह रहे हैं बोल दिया मैंने, इन्हीं से हम लोगों ने लिया है, इनसे लिया था आपने? ये दाएं बाएं करते हैं। कितने परिवार ने इनसे खरीदा है? इनसे 12-13 परिवार वालों ने खरीदा है और इनसे कितनी बार बोला गया इनके घर पे जा, बेसिक जिम्मेदारी तो बनती है ना बिल्डर की? हाँ जी, उनकी बेसिक जिम्मेदारी बनती है, आश्वासन तो यही दिया गया था, जिम्मेदारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, या आश्वासन यही दिया गया था। और अभी भी जाते हैं तो बड़ा मधुर बोलते हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, लेकिन वही टालने वाली प्रथा है इनकी और कुछ नहीं करते हैं। इनके घर का जाके आप कागज मांग लीजिए तो इनके घर के पास इनका खुद का कागज नहीं है, कुछ चोरी से लाइट जला रहे हैं, हम लोग तो तब भी लीगल लिए हैं 35,000 दे के। सही बात, ये तो लीगल लाइट भी नहीं लिए हैं लेकिन कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, संज्ञान में नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एंड वी आर द सफरर्स, हम लोग 10 साल पीछे आ गए हैं। अच्छा, एक अहम बात और ये समझना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि 10 साल पीछे तो आप आ ही चुके हैं क्योंकि मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे नहीं है, उसी नहीं पा रहे इस मुद्दे कि जब आपने इनसे, आपके साथ जितने भी परिवार वालों ने इनसे जो प्रॉपर्टी ली थी, नाम एक बार आप बताइए, मैं नाम भूल रहा हूँ, लाल लोधी, शोभा लाल लोधी से जब आप सब ने परिवार ने मिल करके जिस अलग अलग इंडिविजुअली आपने जब परचेज किया था तो एक जर्नल आपका क्या कहते हैं एग्रीमेंट ये होगा मूलभूत सुविधाओं का है, सड़क यहाँ से गई है, नक्शे में यहाँ से सड़क को दर्शाया गया था और यहाँ से उधर को जुड़ने वाली बात कही गई थी, हाँ। शुरुआत में जब तक मेरा घर बना, ये है मेरा घर, जब तक मेरा घर बन रहा था 2.5 साल में यहीं से अपनी गाड़ी से आया करती थी और अचानक ये बंद कर दिया गया। अच्छा, ये सामने, हाँ जी, बाद में पता चला कि वो जो बैठते हैं वहाँ पे, वो झुग्गी में बाबा बैठते हैं, उनका प्रभुत्व है इस जमीन पे, यहाँ से सड़क नहीं है। अच्छा। फिर उन्होंने इसको बैरक लगा दिया, बांस बल्ली लगा दिया, मतलब फिर लड़ाई, रास्ता क्लोज कर दिया पूरी तरह से, यहाँ सब प्लॉटिंग है, यहाँ प्लॉटिंग है, एकमात्र वो नीम का पेड़ है जहाँ से जाने आने की बात हुआ करती थी, लेकिन शिवराम जी के वहाँ से प्लॉटिंग है और उनका ये कहना था कि वहाँ से मैं बंद करूंगा, तो हम लोगों के पास जो खाली प्लॉट है उसमें से या तो हम निकले, जो कि नींव भरी हुई है, बच्चों को निकलने आने जाने में, ड्राइविंग करने में, साइकिल से तक जाने में दिक्कत हुआ करती थी, नींव के ऊपर से हम लोग चले जाया करते थे, और उसके बाद में जब इन्होंने
इन्होंने बंद कर दिया, इसके पीछे लड़ाई हुई, काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, इन पर दबाव डाला गया, तब जाके ये थोड़ा बहुत ये खुला है तो खुला है। और जो कि नियम के आधार पे दो साल तक अगर कोई रास्ता खुला है, कानूनी बात बता रही हूँ, तो वो बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन बस बात वही है, उनके पास पावर है, पाँच सालों से खुला है ये रास्ता। तो अभी तो इन लोगों ने, आप समझ लीजिए, दयावश या झंझट से बचने के लिए इन्होंने ये खोला हुआ है, रास्ता खोल दिया। हाँ जी, और इनसे जैसे बात की जाती तो इन्होंने कहा कि भविष्य में यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। अच्छा, प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे तो सड़क निकालेंगे। और फिर बात चलती है कि ये शगुन वाले खरीदना चाह रहे हैं, और जो वो खरीदेंगे तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोगों से ये कहा गया कि आप 50,000 आप लोग जमा करिए। तो क्यों देंगे 50,000 की चीज के, सड़क के? अब वही तो बेसिक चीज यही है ना, जब आप प्लॉट बेच रहे हो तो सड़क तो ऑटोमेटिकली है ही उसके अंदर, सड़क का कौन पैसा देता है? ये चीज सड़क उसमें इंक्लूड होता है। अब तो ये जो चीजें हैं, जैसा कि आपने बताया मैडम, क्योंकि आप एडवोकेट वकील भी हैं, कानून को आप अच्छे से समझती है, जब आपने प्लॉट लिया था, आपको जो नक्शा दिखाया बाद में, उस नक्शे के हिसाब से ये सड़क उस नक्शे में दिखाई गई थी, अब वो नक्शे के हिसाब से वो चीजें पूरी है या नहीं? वो चीजें बिल्कुल पूरी नहीं है। ठीक है, अब आप लोग कैसे फिर किधर से निकलती है? इधर से ही निकलते, मतलब ये बताए कि टेम्पररी रास्ता, ये जिनका जो लैंड ओनर बताए जा रहे हैं, दया की दृष्टि से उन्होंने, दया की दृष्टि से उनसे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी जमीन है, उनका प्रभुत्व है, तो लीगल हमारा बनता भी नहीं है। हम इन्हीं को पकड़ते हैं और ये भाग जाते हैं। और इधर से भी कुछ रास्ता निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? इधर से रास्ता नहीं निकल रहा है, वो डेड लॉक है। और नीम के पेड़ के यहाँ से, क्योंकि शिवराम जी की प्लॉटिंग है, उनके नक्शे पे जो प्लॉटिंग का नक्शा है, वो वहां से सड़क जा रही है, वो गाँव वाले की वहां से सेपरेट हो जा रही है, वो डेड कॉर्नर है, जहाँ पे रिंकी अवस्थी जी रहती है, वो डेड कॉर्नर, रिंकी अवस्थी जी इस तरफ आ रही हैं, तो वहां से शिवराम जी का प्रभुत्व चलता है, बट वहां की भी सड़क की कंडीशन बहुत खराब है। ठीक दो कदम की दूरी पे आप चले जाइए, वहां लाइट है, बिजली है, सड़क है, दिन दिन भर लाइट जलती रहती है। वहाँ पे मकान एक थे नहीं, वहाँ पे मकान एक भी नहीं, एक भी मकान हाँ। नहीं था, और हमारे अगल बगल भी कहीं मकान नहीं, लेकिन सारी सड़कें बन गई हैं, खाली यही बीच हाँ। का एरिया नहीं बना। चलिए एक अंत में हम शो को हम क्लोज करें, उससे पहले एक एक सवाल हम सबसे आपसे पूछेंगे, एक बार दोबारा सब आप इधर आ जाए। ये रजनी जी हैं, रजनी जी ने कुछ बातें रखी, आप सबने बातें रखी, रजनी जी एडवोकेट भी हैं, इनकी इस बात से और ये जो बिल्डर के बारे में इन्होंने बताया कि बिल्डर ने जो एक में जो हमसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, उसके हिसाब से अब चीजें नहीं है, यानी जो प्रॉमिस वाली बातें थी, जो रोड का नक्शा, जो नक्शे में रोड दिखाया गया था वो नहीं है, इस तरह की जो सारी समस्या है बिल्डर की और आप सब की, इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? हम सब लोग सहमत हैं इनकी बात से, बिल्कुल हम सहमत हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पारदर्शी व्यक्तित्व है, मेरा पारदर्शी व्यक्तित्व है हाँ। एक भी है कोई जो ये कह दे सहमत नहीं है? मैडम जी सहमत है इनकी बात हाँ, से जो समस्याएं बता रही हैं हाँ, ये सड़क आप भी सहमत हैं? सबकी समस्याएं हैं हाँ। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके ये आई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक तरफ जो यहाँ पे विधायक हैं और दूसरी तरफ पार्षद हैं, उनकी तो दिक्कत है कि वो अपने इलाके में अपने वोटर के पास आ करके उनकी समस्या का समाधान नहीं करते, क्योंकि जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है कि जो बेसिक मूलभूत जरूरतें हैं, चाहे वो गली हो, सड़क हो, नाली हो, खरंजा हो, स्ट्रीट लाइट हो, या हेल्थ सुविधाओं की बात करें, यहाँ पे तो बेसिक चीजें नहीं है, तो हेल्थ सुविधा तो दूर की बात है, क्योंकि जहाँ पे ये सब रहते हैं, इनकी सड़क आज से 5 साल से 8 साल से नहीं बनी है, ये तो हो गई जनप्रतिनिधि की बात। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये निकल करके आया है, जो यहाँ पे बिल्डर है, जो यहाँ पे जिसने प्लॉटिंग करी है, जिसने प्लॉट काटे हैं, उसमें भी सवालिया निशान यहाँ पे उठ रहे हैं, क्योंकि उसने जितने भी लोगों को यहाँ पे आज अभी इस वक्त आपके सामने कम से कम 15 से 20 लोग यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे परिवार दिख रहे हैं, क्या पता और भी परिवार होंगे जिन्होंने उनसे प्लॉटिंग के मामले में उनसे जमीनें खरीदी हैं। सवाल ये है कि बिल्डर से भी ये सवाल पूछे जाएंगे, जो जिसने प्लॉटिंग करी है, कि आपने अपने वादे के अनुसार इनको सुविधाएं दी है या नहीं दी है, जनता के अनुसार जो ये आपके खरीदार हैं, बिल्डर साहब आपसे भी हम बात कर रहे हैं, ये सब जो है यहाँ पे जो जनता ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो प्रॉमिस किया गया था वो
आखिर पूरा क्यों नहीं हो रहा है, हम भी आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आखिर ये जो जो प्रॉमिस की गई थी, जो जगह आपने बेची है पब्लिक को, उनके लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो क्यों पूरी नहीं दे पा रहे हैं आप। तो ये सारी समस्या है। एक तरफ ये जनता जो है यहाँ पे बदहाली के लिए, यहाँ पे बदहाली में जीने के लिए यहाँ पे मजबूर है, बेबस है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पार्षद और विधायक भी लापता है। और जो सबसे अहम बात, जिस बिल्डर ने इस प्लॉट को, इस ज़मीन को भेजी है, वो भी जनता के अनुसार हमें ये पता लग रहा है कि वो अपने वादे पे, अपने जो जर्नल जो बातचीत होती है, एग्रीमेंट होती है, उसके अनुसार उसने जनता को सुविधा नहीं दी। सवाल आपसे भी बिल्डर साहब पूछा जाएगा। आप ये शो देख रहे थे, ए न्यूज़ टुडे का ये खास कार्यक्रम था, कार वाला रिपोर्टर, ये हम आपको खबर दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो के, और जनता के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। आप बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू वर्मा के साथ मैं आज़ाद कबीर।